Hello. Why say hello, hello? All you talented people in the house. बल्ले बल्ले शाबा शाबा, एक बार फिर से आ गए राजेश कावा कावा। कैसा लगता है ना संडे के दिन अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है। अरे वाह, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग आने लगे। आह आह, क्या बात क्या बात। मिस्टर लिम्बोला, गैलेक्सी पोकर ट्यूबर और भी काफी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। फुल पावर गाइज, यही तो है एनर्जी, यही तो है ताकत। गुड मॉर्निंग गाइज, केम छो मजामा। यस यस ऑल यू गाइस। और शाश्वत मेरा भाई, ये तो बहुत ही शिद्दत से हमेशा आ जाते हैं। क्या बात है क्या बात है, फुल पावर। तो मुझे कल रात तक लेट तक मैसेज आ रहे थे कि आप सभी को कल का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू सो मच फुल पावर। और फिर मैं रात तक लेट तक रिकॉर्डिंग कर रहा था घर पे ही, लेट सोया लेट उठा सब कुछ लेट लेट, इसलिए थोड़ा और लेट हो गया। गुड मॉर्निंग पायल जी, गुड मॉर्निंग योगेश, आप सभी को बहुत बहुत जबरदस्त शुभ मॉर्निंग है। ओके, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 28 में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जो कलाकार हैं उनके बारे में क्या कहूं, मतलब शब्द नहीं है, क्योंकि वो समझे नहीं समझे। अरे हमारे रजनी सर है, सुपरस्टार रजनी सर की आवाज, ऑफिशियल आवाज, शिवाजी द बॉस, रोबोट एक, रोबोट दो, लिंगा, आई, कबाली, दरबार, कितनी फिल्में हैं और शायद कोई मिस कर रहा हूं तो आई एम सो सॉरी। और हाँ जी हाँ, बेब्लेड के काय, ओरिजिनल जो फर्स्ट सीजन था उसके काय, और भी बहुत बड़े बड़े सीरीज, मतलब क्या मतलब ऐसे ऐसे गिनाने से मेरी उंगलियां कम पड़ेंगी और वक्त सटासट निकल जाएगा। ओके, तो जल्दी से उनका स्वागत करते हैं, ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। सुपर टैलेंटेड वॉइस एक्टर, हमारे प्यारे मित्र, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, मयूर व्यास जी का स्वागत करते हैं। कोशिश करते हैं उनसे जुड़ने की, देखते हैं कि वो हैं या नहीं, वो देख रहे हैं या नहीं। अगर देख रहे हैं मयूर जी तो हमें प्लीज आप भेजिएगा। क्रिलिन, डीबीजी, ड्रैगन बॉल जी के ब्रॉली आपके सामने बैठा और हमारे साथ जुड़ेंगे क्रिलिन। क्या बात फुल पावर गाइस। तो जैसे ही मयूर जी हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे या हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, कोशिश करते हैं उनको रिक्वेस्ट भेजने की, और जैसे ही जल्द से जल्द वो जुड़ेंगे हम धमाका शुरू करेंगे। जहां रजनी सर हो वहां धमाके अपने आप होने लगते हैं, धमाके होते हैं तभी तो उनका रास्ता बनता है आने का। तो फुल पावर गाइस। यस टेरी चंद मेरे भाई, योगेश कुमार, एक मिनट कौन सर, आप शेविंग कर लो, आपके बियर्ड बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, ये बाल भी बड़े, दाढ़ी भी बड़ी। करेंगे यार करेंगे, फिलहाल इसी पे एक लुक बना रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ओके, करेंगे जल्दी करेंगे मेरे भाई। तो कोशिश कर रहे हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट भेजी, आई होप कि वो एक्सेप्ट कर लें। मयूर जी आपको रिक्वेस्ट या तो भेजनी है या एक्सेप्ट करनी है, तो फिर हम दोनों साथ मिलकर धमाल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच और अंडरस्कोर गार्डियन, केमचो भाई एकदम मजा भाई, आशीष भाई, शाश्वत, धनुष, क्या हुआ धनुष, धनुष क्या लिखा, शाश्वत मेरे भाई फिर से लिखिए, रणवीर सिंह थैंक यू सो मच, हाय हाय, आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग फुल पावर गाइस। हे लव फ्रॉम पाकिस्तान, यस हेलो मेरे भाई, मुझापन, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ तो आई एम सो सॉरी। हेयर स्टाइल मस्त, क्या हेयर स्टाइल मस्त है, आई से ये वाह, लेकिन ठीक है ये, थैंक यू सो मच पिया जी, बस कोशिश जारी है कि जो है आपके सामने ऐसा ही पेश आऊं, कोई बनावट नहीं, कोई कुछ नहीं, यही है प्रोडक्ट और यही है पैकेजिंग, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, वैसा नहीं जमता है, यही है। आपको प्यार करना है करो, पसंद करना है करो, क्योंकि वो आर्टिफिशियल वाली चीज जल्दी आएगी नहीं ना। कावा में बल्ले बल्ले शावा शावा आ गया राजेश कावा कावा, अरे वाह लिख रहे हैं भाई। राजेश सर आई हैव टैग्ड यू समथिंग प्लीज, मैं देखूंगा, पक्का देखूंगा, आरजे अंडरस्कोर श्रेय देखूंगा, अभी अभी तो उठाऊं यार। और मैं तो मतलब बहुत आप लोगों को एकदम खुले दिल से कह सकता हूं, अभी तक नाया भी नहीं हूं मैं क्योंकि आज हमारा अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल है और मैं सुबह ही उठ के रिकॉर्डिंग करने बैठ गया था, कुछ मुझे प्रोमोस भेजने थे निकोलाडिन के लिए। तो
मयूर जी, मयूर जी व्यास जी जल्दी से आइए, हमारे साथ जुड़िए, खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। अरे किनके जैसी मैं मिमिक्री करने लगा, फिर से कोशिश कर रहा हूं उनसे जुड़ने की। मयूर जी व्यास जी, मैंने आपको फिर से रिक्वेस्ट भेजी है, देखिए आपको दिखेगा, और आप अगर जुड़ जाएं तो धमाल करेंगे जल्द से जल्द। और ये आपका स्टाइल सबसे हटके, थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम छत्तीसगढ़, लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल। और बाल कैसे उत्तर दक्षिण भाग रहे हैं, मैं चलो ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि मयूर जी जुड़ जाए। मयूर जी मैंने रिक्वेस्ट भेजी आपको, जल्दी से जल्दी देखिए, हमारे चाहने वाले, आपके चाहने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। मयूर सर मयूर सर, आपके डायलॉग्स भी लिखे जा रहे हैं अभी तो कमेंट में, तो जल्दी से आइए। मयूर जी, मयूर जी को एक्चुअली मयूर सर ही कहना चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, और बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है वो। मतलब जब भी हम लोग बातें करने बैठते हैं ना कभी ऐसे चित्र विचित्र टॉपिक पे बातें करते हैं, तो मैं सुनता हूँ इत्मीनान से सारी चीजें, मैं बटोरने की कोशिश करता हूँ। सर शैगी करो। ये कैसे हो गया? मुझे लाइंस याद नहीं है, लेकिन इस तरह से मैंने कोई टेक्सचर बनाया था शैगी के लिए, मुझे भी देखनी है कैसी लगी, आप लोगों को बताइएगा शैगी। और मयूर जी फिर से कोशिश करिए, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट तो आपका आया था, मैंने एक्सेप्ट किया, फिर वापस क्यों ऐसा हुआ, फिर से कोशिश करते हैं। मयूर जी, मयूर व्यास, द वॉइस ऑफ रजनी सर, सुपरस्टार रजनी। जब मैं काफी लकी रहा हूँ कि मैं, अरे वाह क्या बात क्या बात, मयूर जी व्यास जी, मयूर व्यास जी का स्वागत है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 28 में। गुड मॉर्निंग राजेश, एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑन अ संडे मॉर्निंग टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग। क्या बोलूं, संडे सुबह भी आप लोगों का इतना प्यार, मतलब कमाल यस है। यस, मतलब जितनी तादाद में लोग आए हैं, मैंने अंदाजा इतना नहीं लगाया था, मैं सोचा नहीं था इतने आएंगे। तो फुल का जो प्यार है यही एनर्जी देता है, यही हमें ताकत देता है, पावर। गाइस थैंक यू सो मच, मयूर जी आपका स्वागत है तहे दिल से वॉइस थैंक एक्टिंग यू की राजेश, जुगलबंदी थैंक में यू, थैंक यू जी। राजेश, थैंक यू सो और मच। आपकी आवाज बहुत कम आने लगी, हेलो हेलो, चेक। एक बार आप हेडफोन निकाल दीजिए, आपके फोन से आवाज आएगी आपको, चलेगा? हेलो हेलो, चेक। नहीं वो उसको अचानक कम हो गई आवाज मेरी तरफ, मुझे नहीं आ रही। हाँ आ रही आप लोगों को? करेक्ट, ही कम आने लगी। मैं एक बार आपको फिर से वैसे ही करते हैं, आपको रिक्वेस्ट, डिसकनेक्ट करता हूँ और फिर से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? कोशिश ऑल करता राइट हूँ। ओके अचानक ओके आवाज का चले जाना हमारे लिए गलत है, ये एसिडिटी होने लगती है। यस फुल पावर, क्यों हिला डाला ना, अरे मयूर सर के डायलॉग्स, क्या बात क्या बात। फिर से मैं कोशिश करता हूँ, मयूर सर को रिक्वेस्ट भेजता हूँ, अचानक से आवाज कम हो गई पता नहीं क्यों। और यस है मेरी आवाज, चेक चेक, हेलो हेलो, मुझे बहुत कम आ रही है आवाज हेलो आपकी। चेक, हेलो चेक, हालो चे हाल हाल, हेलो तो हेलो एक काम करूं चेक, क्या, मैं भी ईयरफोन लगा दूं क्या? आई'ल ट्राई आई'ल बेटर ट्राई। तब तक मयूर जी आप लोगों के मैसेज पढ़िए, लोगों से बात कीजिए, मैं आया। डेफिनेटली। कौन कौन, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबको गुड मॉर्निंग और सबको केम छो। एक काम करता हूं, मैं ईयरफोन, जी आवाज यह आ रही है मुझे, आवाज बेकरार है, आई बहार है। करते हैं हम लोग कि मुझे आपकी आवाज सुनाई दे ठीक से। आ रही है। हेलो हेलो अचानक से कम होने की वजह क्या? हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो, चेक, आ रही आवाज? आ रही है, आ रही, मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है? बिल्कुल एकदम बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, तो मैं इसको ना
मुझे एक मिनट दीजिएगा, क्योंकि पूरा सेटअप फिर तामझाम हिल गया मेरा इस और ये होता है आमतौर पे जब भी, एक बार ऐसा हुआ था शायद कोई फोन आ जाता है तो ये चीज हो जाती है। अब बोलिए भाई जी, बी पार्कर सही पहचाना, पीटर बी पार्कर इन द स्पाइडर यूनिवर्स। यार ये लोग आवाज इतनी जबरदस्त पहचान लेते हैं, तरह तरह की आवाजें हम लोग बदलते हैं लेकिन पकड़ लेते हैं। यस यस बेशक पकड़ लेते हैं। और यस यस इनका फोकस है ना, इनका बड़ा जबरदस्त है, ये क्या कान लगाकर सुनते हैं। 80 साल का बूढ़ा कर लो या 18 साल का जवान कर लो, ये बोल लेते हैं कि सर ये आपकी वॉइस थी। जी मयूर जी, आपका डायलॉग तो दूर, लाइंस तो दूर, मतलब ए, 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 ये भी किया है वो भी पकड़ लेते हैं अभी तो कि सर जी आपने उसमें। जी 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 जी, तो एक बार फिर से मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं शाश्वत या बाकी तरीचंद, मुझे बताइए क्या आवाज हम दोनों की क्लियर आ रही है? किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस या कर कर या ऐसे कोई चीज या किसी की कम ज्यादा ऐसा कुछ है या सब सही है? तो हम धमाल शुरू करेंगे। शाश्वत बताओ किकीज डिलीवरी सर में रिपोर्टर अपने साथ है आज। शाश्वत के बारे में एक बात कहूंगा कि शाश्वत बॉम्बे आके मुझे मिल चुके हैं पर्सनली। अरे वाह, जी जी जी, शाश्वत के पास हमारी एक सेल्फी भी होगी शायद। शाश्वत ने कहीं से पता लगाया कि मेरा कॉलेज कहाँ है जहां मैं पढ़ाता हूँ। जी, तो ही केम देयर, मैं कॉलेज में था, क्लास में था, ही वेटेड आउटसाइड, ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक 45-50 मिनट्स ही वेटेड देयर। फिर जब मैं आया, फिर हमारे कॉलेज के सामने जूह पे अपना धीरज वड़ा पाव वाला और एक चाय की टपरी है, हम वहां गए चाय पीते, कुछ काफी बातें की और वो सिर्फ आवाज सुन के और शायद ऑनलाइन ये सब इंफॉर्मेशन से कि मैं किसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ। एंड ही इज नॉट फ्रॉम बॉम्बे, आई थिंक ही इज समवेयर फ्रॉम छत्तीसगढ़ या पूना, पूना और नागपुर, पूना 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 से है। तो वो जब बॉम्बे में थे तो ही केम एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम। यस 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 यस, मैं भी आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी मैं मिल नहीं पाया था मुंबई, मुझे भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं मिल पाया था, और ये मेरे एक वर्कशॉप में भी आ चुके हैं। ओके ऑलराइट, जी 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 जी, मिल चुका हूँ मैं तो। आप सभी का प्यार है, ये जो एक एनर्जी है यही मुझे प्रेरित करता है ये सारी चीज करने के लिए। इसलिए मयूर जी मैंने ये मुहिम छेड़ी है, शुरुआत की है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी, और बाकी अपने सारे अदाकारों सारे मित्रों के साथ में करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का ये धमाकेदार एपिसोड होगा मयूर व्यास के साथ। मयूर व्यास इज द वॉइस ऑफ सुपरस्टार रजनी सर, मतलब इसमें इतनी बड़ी बात हो जाती है। इसके अलावा तो बहुत सारे स्टार्स हैं आपके नाम के आगे पीछे, बहुत सारे, जैसे यू आर द वॉइस ऑफ क्रेलिन फ्रॉम डीबीजी जो बहुत ही सुपरहिट सीरीज है। तो जी जी, और लोग जो प्यार करते हैं ड्रैगन बॉल जी के फैंस हैं वो सब वही लिख रहे हैं। कल रात से जब मैंने रात को आधी रात को पोस्ट किया था 11-12 के आसपास, तभी से लिख रहे हैं ओ हमारे ब्रॉली सर और क्रेलिन साथ में, तो मतलब तो उनके लिए बहुत स्पेशल हो गया। और वाकई आज का मौका हम स्पेशल करेंगे। मयूर जी आप बताइए कुछ, क्योंकि आपकी बात है जब भी हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है, किसी भी चीज के बारे में बताइए कि क्या हाल कैसे है, एजुकेशन एजुकेशन ऑनलाइन पढ़ाई एग्जाम। यस राजेश, मुझे लगता है कि ये जो लोग सुनते हैं ना, ये बहुत वॉइजिंग फ्रेटर्निटी और वॉइजिंग में जो भी काम हो रहा है ना, ये इनके दिल के बहुत करीब है। ये बहुत इसको, ये लोग इतने अपडेटेड हैं इस बारे में, इनके पास जो इंफॉर्मेशन है, आई एम अमेज्ड टू सी ये कैसे ये सब इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा शेयर करते हैं इनके साथ आज कि जो मतलब इनको लगे कि यार ये नॉर्मल कोर्स में नहीं मिलता, मेरे बारे में, आपके बारे में, विकिपीडिया में, यहाँ वहां ऑनलाइन दूसरे इंटरव्यू मिले इन्होंने नहीं। तो एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा राजेश, एक आप शेयर करेंगे ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस जो एज अ वॉइस आर्टिस्ट हमारे साथ हुआ है। मैं शुरू करता हूँ मेरे ऐसे एक्सपीरियंस से। एक बार हुआ यूं कि अपने एक बहुत ही जाने माने वॉइस कोऑर्डिनेटर है शांति कुमार नायर, तो इनका रेगुलरली जैसे कॉल आता है कि अच्छा मयूर कल एक फला फला स्टूडियो में आप 2 बजे पहुंच जाओ और एक 6-7 मिनट का कोई एवी है जो आपको डब करना। मैंने कहा ठीक है सर मैं पहुंच जाऊंगा।
नॉर्मली हम ज्यादा डिटेल पूछते नहीं है क्योंकि उनको भी पता है कि हम क्या काम करते रहते हैं, वो क्या काम करवाते हैं हमसे। तो हुआ यूं कि मैं पहुंच गया वहां, जाने के बाद मुझे जो स्क्रिप्ट थमा दी गई वो 5 पेज राइट से लेफ्ट की तरफ लिखे हुए उर्दू के थे जी। मैंने जिंदगी में कभी उर्दू पढ़ी नहीं। और जब वहां मैं चीजों का जायजा लेने लगा, फिर मुझे पता चला फ्रॉम द साउंड इंजीनियर, ये इलेक्शन कैंपेन था, 7-8 शायद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म थी, तो इसकी रिकॉर्डिंग मुझे करनी थी। ठीक है, उर्दू बोलना भी वैसे कोई बहुत बहुत दिक्कत नहीं, लेकिन उर्दू पढ़ना सबसे बड़ा, और जो उसमें जिस तरह की उर्दू थी, मतलब जबान में गांठ पड़ जाए वैसी उर्दू। लेकिन एक मौलवी साहब आए थोड़ी देर में जो हमारे लैंग्वेज सुपरवाइजर थे, मौलवी साहब ने जब मुझे देखा, मैंने थोड़ा उनसे अदब सलाम वगैरह किया, बैठे और ओवर अ कप ऑफ टी हमने जब बातें शुरू की, तो उन्होंने कहा कि कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैंने ओपनली बता दिया कि ये सर मेरी भाषा नहीं है, मेरी लैंग्वेज नहीं है, और जिस तरह का उर्दू आप लिख के लाए हैं, पहले तो ये उर्दू लिपि में लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इसका टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी की पूरी 8 पेज की स्क्रिप्ट आपको हिंदी में लिखवा देता हूँ, और कुछ वर्ड है जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ्फुज, वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो कोई बात नहीं, हम करेंगे इसको। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, बाकी रिकॉर्डिस्ट और हमारे साउंड इंजीनियर, इन लोगों ने कॉन्फिडेंस दिया। बेशक उसमें 1.5 गुना या डबल टाइम लग गया, लेकिन हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और बैरून मुल्क रहने वाले हमारे सभी, इस तरह के जो वर्ड्स थे, मतलब क्लैरिटी की मेरी जिंदगी की जितनी एक्सरसाइज चाहिए थी वो एक प्रोजेक्ट ने मुझे करा दी। और शाम को मैंने शांति कुमार जी से फिर कॉल करके ये कहा सिर्फ कि सर आगे से उर्दू का जो भी प्रोजेक्ट हो तो भी आप मुझे बुलाइएगा जरूर। मैंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, मैंने ये मतलब बाय मिस्टेक आई वॉज देयर। उन्होंने सोचा कि शायद ये उर्दू करते हैं, उर्दू पढ़ सकते होंगे, वॉट एवर मे बी दी अजम्पशन, बट ये एक बड़ी अजीब घटना, एक वाकया हुआ मेरे साथ, और आई एम श्योर आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा। वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस, हमारे लिए भी एक वियर्ड एक्सपीरियंस है, एंड दिस इज वेरी मच यू नो अ पर्सनल पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशनल लाइफ, जो ये लोग सुनना चाहते हैं, ये लोग बहुत इनसाइड इंफॉर्मेशन के प्यासे और भूखे हैं मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। मैं इस तरह की, मैं आमतौर पर आपने देखा है कि मैं इतने सारे एपिसोड्स कर चुका हूं और बकायदा यहाँ वहां मेरे कुछ ना कुछ होते रहते हैं, तो मैं बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज मुझे याद आ रही है, मैं डबिंग को लेकर या स्टूडियो वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये हाँ, ये जो हमारे ये प्यारे सारे दोस्त हैं, फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं, चहेते जो है दोस्त यार दिलदार सब, उन्हीं की तरह एक जो है वो मेरी आवाज अच्छे से जानते थे, जानते हैं, और इस चीज को लेकर एक वाकई एक वाकया है मैं बताना चाहूंगा जो बहुत ताज्जुब वाला है। मैं गया था फैमिली के साथ घूमने साउथ में, कोडाईकनाल और वो पूरा वो जो बेल्ट है उस तरफ, तो वहां हम लोग जो जा रहे थे घूमे थे, तो एक रैंडम ऐसा हो पॉसिबल नहीं कि कोई 4-5 लड़कों का ग्रुप सुबह से लेकर शाम तक आपके आसपास ही और साथ ही है। मतलब एक हम पॉइंट पर घूमने गए तो वहां पर भी वही थे, वो लोग फोटो वोटो निकाल रहे थे, और फिर दूसरी जगह हम जब जहां गए वहां पे भी वो लोग थे 5-6 जन, और साउथ वाले वो लोग, मेरे ख्याल से वो तेलुगु थे तो वो साउथ वाले, हाँ 5-6 यंग छोकरे लोग, सब कॉलेज गोइंग पीपल। फिर वहां से हम कहीं और गए फैमिली साथ में, सब खाना खा रहे हैं, दोपहर को लंच टाइम हुआ, कहीं गए जो रेस्टोरेंट में, वहां पे भी वो लोग थे आसपास। तो हम तो आमतौर पे हम लोग वॉइस एक्टर्स या एक्टर्स हम लोग आसपास देखते रहते हैं ना, ढूंढते रहते हैं कैरेक्टर्स और किरदार, ऑब्जर्वेशन चलता ही रहता है, तो इसलिए मेरा थोड़ा ध्यान गया, मैं बोला माँ खसम ये तो यही लड़का है, और वो कपड़ों से तुरंत तत्काल वो मैंने पकड़ लिया। फिर शाम डली मेरे भाई, लगभग 4-5 बजे मयूर जी, वो एक जगह हम जहाँ पहुंचे थे वो बहुत अच्छी जगह थी, आई एम सो सॉरी गाइस मुझे नाम पता नहीं वहां, और 5 बजे के आसपास उन्होंने, उनके एक दो लड़के आए हिम्मत करके, और सर 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 वन सेल्फी विथ यू सर प्लीज वन सेल्फी। तो मैंने बोला कि यस यस, लेकिन मैं फॉर व्हाट रीजन, मैं क्यों सेल्फी, क्या मैं कौन हूँ यार। तो बोले कि सर आई नो योर वॉइस सर,
हम मैं जो फैमिली के साथ बातें कर रहा था वो वॉइस उन्होंने पकड़ ली वहां। ओके हाँ, उन्होंने बोला कि सर यू आर द वॉइस ऑफ दैट कॉमेडी गाय फ्रॉम रोबोट एंड लिंगा। ओके ओके ओके, तो उन्होंने संतानम पकड़ लिया भाई, संतानम। हाँ, सुबह से उस चीज उस पॉइंट को पकड़ लिया और सुबह से वो साथ आसपास ही थे और शाम को उनसे रहा नहीं गया, इसलिए उन्होंने पकड़ा, बोला कि सर सर सेल्फी चाहिए। और बाद में मैंने बातें की, शेयर किया, तो उनको ये सारी चीज पता है, वो हिंदी भी देखते हैं इसके और हिंदी उनको ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है, वैसा उनका मानना है। कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है। तो ये मतलब वाकई ये जो आपने कहा कि हमारे सारे कैरेक्टर की आवाज पहचान लेते हैं, तो वैसे भारत देश के कोने कोने में हमें प्यार करने वाले, वॉइस एक्टिंग को समझने वाले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और जितने लोग ज्वाइन किए हैं आज, उनके लिए बता दूं कि राजेश ने और मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जो हमारे भी बहुत दिल के करीब हैं, बहुत पॉपुलर हैं, हमने साथ में किए और जी। आज से नहीं, सालों से करते आ रहे हैं। मैं गुजराती प्रोजेक्ट दर्शन दो भगवान की बात करूं, या उसके बाद 2000 ये बात कर रहे हो, सॉरी की बात करूं जी, सॉरी सर मयूर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये मैं वक्त भी बता दूं तो लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। दर्शन दो भगवान मतलब मयूर जी बात कर रहे हैं 2001 की, 2001 दो की है ना, तो मतलब सोचिए तब से शुरुआत। हाँ शुरुआत, करेक्ट जी, बोलिए। काला, काला फिल्म की हमने रोबो में आप बहुत बढ़िया, वो जो कॉमिक बहुत कॉमिकल उसमें ट्रैक कम है, और संतानम को कॉमिक कॉमेडी का बादशाह है, लेकिन संतानम वो पहली बार था शायद आपने संतानम का जी 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 तो मुझे याद है कि शूटिंग में उसकी डबिंग में शेड्यूल्स में भी हम काफी दफे मिले हैं, और कैसे फिल्म पूरी बन के आ रही है, क्या इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, छोटे छोटी चीजों पे हमने भी डिस्कशन किए हैं। और एक एक जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है हमेशा, मतलब एक साथ काम करने का, क्योंकि शुरू से जो हमारा करियर साथ में चला है और हमने साथ में काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो एक टीम वर्क की जो हमारी एक ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो वॉइस आर्टिस्ट एक साथ एक प्रोजेक्ट में हो तो वो जाने अनजाने एक कॉम्पिटिशन में हो जाता है। हाँ, और अपने ही ट्रैक पर चलते रहते हैं आमतौर पर, वो लोग अपने ही ट्रैक पर चलते हैं कि मैं कैसे, और हम लोग का ऐसे है कि गिव एंड टेक, और कैसे एक दूसरे में जल हो जाए और प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट निखर कर आना चाहिए। ये कर तो फिल्म को कैसे हम लोग उठाए, ये सीन को बना देते हैं, ये सीन हालांकि वैसा नहीं है जितना अच्छा मतलब हमको चाहिए था, इसको थोड़ा और कैसे हम ट्वीक करें, कुछ बेटर करें, तो ये हमेशा हमारा रहता है। हमने काफी रेडियो प्रोग्राम भी साथ में किए हैं, हिंदी में गुजराती में, तो वहां भी ये होता था गिव एंड टेक। और मुझे याद है कि हमारे साथ में जो और भी आर्टिस्ट रहते हैं, क्योंकि रेडियो में क्या है, 3-4 लोग एक साथ अलग अलग माइक पे है, तो हमारी ये हमेशा थोड़ी सी मस्ती भी रही है, ऑन माइक्रोफोन जो मस्ती कहते हैं, तो ऑन माइक्रोफोन मस्ती में ये है कि एक एक्स्ट्रा लाइन डाल दी तो लास्ट क्यू जो है वो चेंज हो जाती है, वो बदल जाती है, और बाकी जो है अपनी क्यू के इंतजार में दूसरा आर्टिस्ट बैठा हुआ है कि जब ये क्यू आएगी तब मैं जाकर के अपनी लाइन शुरू करूंगा। हमको पता है, हम अपना गिव एंड टेक, क्योंकि हमको हमारी मस्तियां हमारी हरकतें अब हम जान चुके हैं, तो वो गिव एंड टेक हमारे बीच होता रहता था, लेकिन बाकी आर्टिस्टों के लिए ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता था, क्योंकि वो क्यू के इंतजार में रहते थे और हम कोई ऐसी मस्ती ला देते थे, फिर वो कहते थे यार तुम लोग जरा स्लो डाउन हो जाओ, यू प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि हमको पूरा मिलके एक रिकॉर्डिंग करनी है। बट वी हैव हैड रियली गुड टाइम, रियली रियली गुड टाइम टुगेदर, मस्ती करना एंड एंजॉयिंग द वर्क, हैविंग फन एट द टाइम ऑफ वर्किंग, ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव, टॉप ऑब्जेक्टिव रहा। डेफिनेटली डेफिनेटली, और लिंगा भी बहुत जबरदस्त रही थी, मुझे मजा आया था। तो वो तो उसमें तो फर्स्ट हाफ में लगभग पूरी फिल्म में फर्स्ट हाफ में साथ में ही थे, फिर सेकेंड हाफ में वो पूरी कहानी की दिशा बदल जाती है, लेकिन फर्स्ट हाफ में साथ में ही थे, तो वाकई बहुत जबरदस्त मजा आया था दोनों चोर। तो या मजा आ गया मयूर जी, पुरानी बातें और ये सारी चीजें बात कर, थैंक यू सो मच। और मयूर जी हम ड्रामा करते हैं अभी, जो आपको स्क्रिप्ट मैंने दी है, और उसके बाद हम करेंगे कुछ और बातें वॉइस एक्टिंग को लेकर, ठीक है? तो हम ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, और लोगों का इंतजार है कब से कि ये हम दोनों धमाल शुरू करें वॉइस एक्टिंग को लेकर। तो दोस्तों, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 28 में आज हमारे साथ है मयूर व्यास जी, वॉइस ऑफ रजनीकांत, सुपरस्टार रजनी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की जो ये कहानी है, एक बार फिर से हमारे स्टार राइटर ने लिखी है, अनुराग पराशर,
रातों रात चुटकी बजा रहे, बहुत ही सुपर टैलेंटेड, बहुत ही मजबूत हमारे टीम के खिलाड़ी अनुराग पराशर ने लिखी है, बहुत ही प्यारी कहानी लिखी है अनुराग जी। तो कहानी तो नहीं कहूंगा मैं, एक सीन है या एक 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 वाक्य है, एक एक घटना है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया है, हल्के पुल के अंदाज में। तो कुछ किरदार है, जैसे उसमें कुछ बच्चे हैं और बॉस है, वो मैं प्ले करूंगा, और बाकी जो किरदार है मैं किरदार का नाम भूल गया, मयूर जी क्या है दूसरे किरदार? एक हाँ, कल्लन है जी, तो गुंडा और कल्याण प्ले करेंगे मयूर। ये पूरा सीन जो है भैरव के बारे में है, तो भैरव जो है ये इसका लीड कैरेक्टर है, तो ये तीन कैरेक्टर मैं निभाने की कोशिश करता हूँ। जी जी जी, तो ठीक है सर, कोशिश करते हैं शुरू। सबके अपने अपने घर में लाइट्स हैं, मोबाइल के कैमरास हैं, और एक्शन सर। यस ए पास कर पास कर, इधर दे इधर दे, निकलो ए निकल रे चल, अब कोई यहाँ पे नहीं खेलेगा, चले ए पंटर निकल चल, ए एक मिनट रुक खेले क्या, मम्मी बचा मम्मी, तो निकलो पहली फुर्सत में कल्टी, पापा को बताऊंगा तू कर देगा उल्टी, कौन है तेरा बाप, कौन है तेरा बाप, अपुन है यार, चल निकल, अपुन तेरे पे गोली वेस्ट नहीं करना चाहता है, इसके लिए बोल रहा है चल निकल। कट्टू शाम को भैरव घर आता है, बोर्ड पड़ता है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू पटेल, सो डोंट एनक्रोच ऑन दिस प्रॉपर्टी, अदरवाइज एक्शन विल बी टेकन ऑन द पर्सन, एनी प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट दिस नंबर। पापा हमारा ग्राउंड गया, हम कहाँ खेलेंगे, कौन से ग्राउंड पे, कुछ करिए ना प्लीज प्लीज बाबा। अरे बेटा ग्राउंड कैसे जा सकता है, वो जमीन तो मेरी है, मेरी, और मेरे साइन किए बिना तो कुछ नहीं हो सकता, मैं देखता हूँ, यू डोंट वरी बेटा। सुबह सुबह भैरव को गुंडे किडनैप कर लेते हैं, कल्ला बॉस वो पेपर पे साइन नहीं करने लाए बॉस, ये कल्लन है जो थोड़ा सा चमचा टाइप है, बॉस क्या कर रहे हैं बॉस, वो पेपर पे साइन नहीं करने लाए बॉस, अब अगर वो साइन नहीं करेगा तो अपन का फ्यूचर शाइन कैसे करेगा, अब विषम तो फ्यूचर पे कॉलिंग मार दू बॉस, अबे वो क्यों मारेगा विषम, अरे फिर फ्यूचर शाइन करेगा ना बॉस, अरे तेरे सीने में छह के छह उतारू क्या, भशम 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 भशम, भशम तेरे बच्चे से भी, सॉरी 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 सॉरी, अरे अरे कितने बार का ये अखबार के थकेले चुटकुले मत पढ़ा कर, वरना एक दिन तेरी आखिरी लाइफ चुटकुला हो जाएगी और पब्लिक हंसेगी। समझ गया समझ गया समझ गया बॉस, तो अभी इसका क्या करने का ये तो बोलो, स्कूल गया तो हाँ तभी तो चुटकुले पढ़ता हूँ ना भाई, अब आ लो किताब पढ़ते तो चुटकुले पढ़ता स्कूल में, अब शुम्भ आए तूने सुनाई होगा स्कूल में कलम में बड़ी ताकत होती है, अब शुम्भ हाँ सुना ना बॉस सुना है, मेरा मास्टर तो मेरी उंगलियों के बीच में दबा देता था, बहुत दर्द होता था। हाँ तो एक मस्त नुकेली सी कलम लेकर आ, उस पे आ पैना चाकू लगा और उस छछोंदर के पैर में भशम दे मार, फिर उसका बाप भी साइन करेगा भशम। ओके ओके बॉस ओके। कट्टू थोड़ी देर के बाद आ आ आ किया बेकरार है, आई बाहर है, आज हम मोरे बाल मां तेरा इंतजार, आ आ ये कल्लन का फोन क्यों नहीं आया, साइन हुआ कि नहीं, भेज में टेंशन फुदक रहा है, दूध उबल रहा है, आ आ फोन करता हूँ फोन, पापी पी पो 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 पापा, अरे आ अरे कल्लन साइन हुआ क्या, साइन कराने पर आया भी और क्लाउड 9 पे आया,
कौन बोल रहा है? काल बोल रहा हूँ, काल। आए काल, काल कौन? काल तेरा काल, काल आए भैरव। आ वैसे कमाल है, साइन तुझे करना था और नाम तक नहीं पता। अरे साइन करना नहीं कराना था, लेकिन नाम नहीं पता, क्या समझा मुझे तूने? पहले यह बता विषम, चमन चूरन वाला। आए ये कौन है ये? है एक, हमारे यहां बेवकूफ को यही कहते हैं। अबे बेवकूफ मतलब मैं बेवकूफ? अरे और तो जहां भी है वहीं रुक, मैं आके मारूंगा, आ रहा हूं मैं। अबे पहले पता तो कर कि मैं कहां हूं, चमन चूरन वाले। अरे तूने तूने कल्लन को मारा है ना, तो वही होगा, तुम मेरे अड्डे पे, मैं आ रहा हूं अब शुम। अरे तो आ जा और जल्दी आ, और अकेले मत आना, झुंड में आना मुन्ना, क्योंकि झुंड में सुअर आते हैं और शेर अब अकेला ही आता है। पहले बेवकूफ का, अब झुंड वाला सुअर का, अब आ रहा हूं मैं, फोन रख, आ रहा हूं अब शुम। अड्डे पे कट्टू, अड्डे पे बॉस भैरव को अकेले देखकर हंसता है। देखो देखो, हम 50 है, 50 है विषम, और ये अकेला मुझे चमन बोलने वाले है झिंगुर। इतनी देर में तू भी लोग बुला सकता है, कर फोन, अपने लोगों को बुला, अब हमारे झुंड से कैसे लड़ेगा तू है विषम? मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। अंडरस्टैंड? यू अबे बेटर अंडरस्टैंड। अबे उतरो फोंतरो संजय राकेश विनोद, मारो इसे मारो, इस शेर को चूहा बना दो, जाओ अटैक आक्रमण। आने दे गुंडों भाई। की पिटाई होती है, सुपर सॉलिड एक्शन, धमाल मस्ती, वही रजनी सर की स्टाइल में, फुल पावर में, उसके बाद कट टू बॉस। मुंह तो डाला मेरा भाई, माफ कर दे प्लीज, नाम काल भैरव है तो इतना सीरियसली लेगा क्या नाम को? माफ कर दे भैरव। पहली बार माफ करने का मतलब है दूसरी बार गलती करने का मौका देना, इसलिए नो माफी। अरे भाई जाने दे, एक बार दोबारा सोच ले मेरे बड़े भाई। भैरव ने एक बार कहा तो समझ लेना हजार बार कहा। बोल बोल, ये जमीन किसकी है? अरे आपकी, मोटा भाई बड़ा भाई, आप इस दुनिया में सबसे बड़ा। वो बोर्ड मेरे घर पे पड़ा था, कोने में जगह रोक रहा था, तो सोचा उस बोर्ड को किसी खाली जगह पे एबशम लगा देता हूँ, तो मैंने लगा दिया। कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उखाड़वा लूंगा एबशम, जैसे आपने मेरा घमंड उखाड़ा वैसे उखाड़ लूंगा माफी। अगर नहीं उखाड़ा ना तो तेरी सांसें उखाड़ लूंगा। अरे बस बस बस, क्या अभी सनी देओल बनेंगे क्या आप? सनी देओल साहब उखाड़ देंगे क्या? अरे अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। मैं समझ गया समझ गया, आप एक बार बोले तो हजार बार बोले। करेक्ट। क्या बात भाई, तू अनुराग धमाल करा दिया यार तूने तो। अनुराग थैंक यू सो मच, अनुराग एक बार फिर से फुल पावर स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और क्या बात, अरे रजनी सर सुबह सुबह फील कर लिया हम लोग ने सबने, क्या बात है, थैंक मजा आ गया। थैंक यू सो मच मयूर जी, यू थैंक धमाल धमाल, ये जो एनर्जी है, जो वेरिएशन है, आपने देखा वो जो बॉस का चमचा था वो भी पूरी तरह से अलग सर ने दिखाया करके, और ये यू। बॉस ये जो तो चल रहा था ना, उससे मुझे चालू सीन में एक और बात भी याद आ रही थी, जो हाँ एमजे और नकसुरा के बीच में होती है, हाँ तो वो भी एक छोटा सा करते हैं जी कि जी जी एमजे, जी और फिर बॉस ऐसा नहीं है बॉस, क्योंकि वो नकसुरा जो है
एमजे के साथ वाला कैरेक्टर, ये भी हम दोनों एक प्रोजेक्ट बहुत साथ में कर रहे हैं और बहुत ज्यादा प्यार मिला है बच्चों का, बड़ों का, सबका इस प्रोजेक्ट को। दो तीन लाइन एमजे और फिर मैं नक्सुरा एंट्री लेता हूँ। जी 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 जी, मैं सभी को बता दूं फिर से एक बार कि ये जो शो है सोनी वाई ए वाई सोनी ये पे आता है, नाम है गुरु और भोले, और जो सर प्ले कर रहे हैं वो नाम है, कैरेक्टर का नाम वो नाजुक, सॉरी मैं कर रहा हूँ एमजे और नाजुक, और सर कर रहे हैं नक्सुरा। तो ये तीनों की तिक्रम जोड़ी है, हमेशा कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। तो आइए सर, हो जाए। यस। ये कहाँ गए नाजुक नक्सुरा? अरे तुम्हें वहां से वो सामान लाना था। अरे हुजूर, अलबत्ता के यहाँ तो हम जाएंगे, लेकिन फिर से हमें इस बार मार मत खिलवाना हुजूर। अरे दिमाग के बगैर तो काम मैं करता हूँ, तो मार पड़ेगी मुझे तुम्हें नहीं। तुम तो हमेशा ऊंटों फोंटों की तरह मेरे पीछे आ जाते हो। हुजूर ये बात तो सच है हुजूर, लेकिन आपको जितनी मार पड़ती है उसकी 10% मार भी हमें पड़ गई तो हम मर जाएंगे हुजूर। अरे आप जीवन त्रास खाया करो। आ ये। जी हुजूर। अभी जस हमने वो ड्रामा खत्म किया तो मैं चलते चलती चलती गाड़ी में एमजे की जगह अबे आने वाला था मेरा। क्या बात है, क्या बात है, फुल पावर फुल। तो जो भी आपके चाहने वाले मयूर जी और इस क्राफ्ट को चाहते हैं, इस कला को चाहते हैं, इनको आप मतलब क्या कोई कोई सजेशन देना चाहेंगे, आइडिया कि जो वो लगातार, आपको बता दूं कि वो लोग फैंड अप कर रहे हैं, फैंड अप मतलब वीडियो के साथ कोई भी फिल्म का ट्रेलर या सीन वो फैंड अप कर रहे हैं अपने घर पे, लेकिन वॉइस एक्टिंग पे भी वो काम करें और क्यों करें, इसके बारे में कुछ बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि काफी काफी आर्टिस्ट ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर अपने दोस्तों यारों में इंस्टा पर या अलग अलग सोशल मीडिया पे वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी करने लगे हैं कहीं से भी। मैं भलीभांति वाकिफ हूँ इस बात से, बल्कि जब चल रहा था तो साथ साथ में ये पढ़ भी रहा था कि कोई कह रहा था कि मैं मिकी माउस का वॉइस कर सकता हूँ तो क्या मुझे काम मिल सकता है या मेरे लिए क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तो दो खबरें मेरे लिए, मेरे पास इन सब के लिए हैं। एक तो बहुत अच्छी खबर है, और वो बहुत अच्छी खबर यानी कि गुड न्यूज ये है कि भाई एक जमाना था कि हम लोग सोचते थे कि अगर आपके पास कोई बैरिटोन वॉइस है, एक अमिताभ बच्चन या एक हरीश भिमाणी या एक अमीन सयानी जैसी आवाज है या अंदाज है तो ही आप काम कर सकते हैं, तो ही इस वॉइस इंडस्ट्री में आप अपनी एक जगह, अपना एक मकाम बना पाएंगे। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। हर उम्र के लिए, हर तरह की आवाज के लिए आज भरपूर काम है, ये जी जी खबर है। लेकिन दूसरी खबर ये है कि ये जो है ये रैपर खोल के चॉकलेट खाने जितना इजी नहीं है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, ये करवा सकते हैं। याद कीजिए, सही से ट्रेनिंग कीजिए, हमेशा अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, काम को ढूंढिए, और फिर काम के साथ साथ उस काम को, वो काम आपको कितना कुछ सिखा सकता है, बी जस्ट ओपन टू दैट, कीप लर्निंग, एंड स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट। लेट मी टेल यू, ये एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मिंग और क्रिएटिव क्राफ्ट है जिसके अंदर आप फुल सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं, एक फुल फ्लेज अपना करियर बना सकते हैं, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल स्टेटस के साथ वाला करियर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया कि काम है, एक जमाने में कुछ नहीं था, मतलब प्लेटफॉर्म कोई नहीं थे कि कैसे पहुंचा जाए, कैसे किया जाए, कैसे लोगों तक बात पहुंचाई जाए कि हम में टैलेंट है या दिखाया जाए, शोकेस कैसे करें, कहां करें। लेकिन अभी वो सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ जैसे कहा कि ये इजी नहीं है, मतलब ये कड़वा सच है, ये आपको मेहनत करनी है, आपको मतलब जहन में पागलों की तरह वही चीज बसानी है। मैं आपको बता दूं मयूर जी कि वैसे जैसे मैं सिखाता भी हूँ वायलेट विंग्स वॉइस एकेडमी, आप गेस्ट के तौर पे आ भी चुके हैं, हमारा अहोभाग्य जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट मैंने, हमने ऐसे देखे हैं स्टूडेंट जो वाकई डबिंग 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 इतना मतलब जुनून पागल की तरह सोचते हैं, जो जरूरी है उस तरह से पागलपन चाहिए,
और वही डबिंग ही खाते हैं, डबिंग ही पीते हैं, वॉइस एक्टर्स को ही सुनते हैं, वही सोते हैं, वही जागते हैं, वही वो सब कुछ वही है। तो इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे काफी स्टूडेंट काम करने लगे हैं जो उस जुनून को लेकर आए थे। और खुशी होती है जो जब मैं बड़े हाउसेस लाइक साउंड एंड विजन जैसे बड़े हाउस में सुबह मैं कर रहा हूँ डबिंग, सुबह 11 से 2 लंच ब्रेक के बाद हमारे मेरे स्टूडेंट लाइनअप है वहां काम कर रहे हैं वो डबिंग। तो ये वाकई वाकई ये सीना चौड़ा करने वाली गर्व की बात है। तो ये तभी मैंने देखा है उनमें जो ये वाकई पागलपन लेकर आया। और वाकई मैं सभी को बता दूं कि मयूर जी आपको भी जानकर ताजुब होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे मेरा ये जो कोर्स है कुछ सेशंस का 10 सेशन का, तो पहले दूसरे तीसरे मुझे लगता नहीं कि ये स्टूडेंट, हम जो अंदर से समझ जाते हैं ना, सोचते हैं कि लगता नहीं कि ये स्टूडेंट कर पाएंगे या कर पाएंगी, लेकिन वो कई बार वो होता है स्लो लर्नर होते हैं, वो सारी चीजें ऐसे जमा कर लेते हैं और उसके बाद मैंने देखा कुछ ऐसे जो धुरंधर निकले हैं जो आज जो उनका प्रोफेशन था वो छोड़कर काम कर रहे हैं, कछुए की चाल चलते हैं लेकिन यस यस है वो यस, और उन्होंने वो अपना जो प्रोफेशन था वो छोड़ दिया। मैं आपको बता दूं कि सचिन उनकी सरने में भूल गया, सचिन नाम के को जो है मेरे स्टूडेंट है, ही मस्ट बी 45 के आसपास, वो टेनिस कोच है सालों से, टेनिस कोच, उन्होंने वो फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं वो और वो डबिंग करने लगे हैं दूसरे। हाँ वैसे कई है जो, तो वाकई वो पागलपन मैजिक चाहिए, वो मैडनेस चाहिए। कहीं से भी देखिए दोस्तों, आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं सबसे फ्री में, बढ़िया ट्रेनिंग। मैं आपको बता दूं, घर में टेलीविजन शुरू कर दो, म्यूट कर दो और उसके साथ बोलना शुरू कर दो। ट्रेन से लेकर के आप थिएटर करो, आप चाहे बकायदा एकेडमी में चले जाओ जैसे राजेश ने और कई और लोग हैं इंडस्ट्री में जो गाइड कर रहे हैं, जो एक रिसोर्स के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, ज्वाइन देम। हम लोग भी जुड़े हुए हैं, काफी लोग वॉइसिंग फ्रेटर्निटी के उसमें आते हैं, अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं, शेयर करते हैं, चीजें बताते हैं। तो इनसे सीखना है और काम से सीखना है, सबसे बड़ा जो आपका टीचर है वो है काम। सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर वर्क एंड कॉन्स्टेंटली इंप्रूव योर सेल्फ, आई थिंक दैट्स द बेस्ट रिवॉर्ड इन दिस प्रोफेशन। बाकी चीजें होती हैं, पैसा मिलता है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन पैसा है, स्टेटस है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है। ये फुल फ्लेज एक करियर है अब लोगों के लिए, जब हमने ज्वाइन किया नहीं था, लेकिन आज है, इस बात की हमें खुशी है और हमें बाकी लोगों के लिए भी ये खुशी है। तो प्लीज एंजॉय कीजिए और देखते रहिए इस तरह के प्रोग्राम, आप जितना ज्यादा देखेंगे उतने हम पॉपुलर होंगे, हमारा जुनून भी उतना ज्यादा बढ़ेगा कि हम और अच्छा परफॉर्म करें और नई नई चीजें लाएं और मनोरंजन करें आप लोगों का। और किसी भी तरह से, चाहे वो दर्शक के तौर पे, श्रोता के तौर पे, एक फैन के तौर पे, या किसी भी तरह से हमसे जुड़ना चाहिए, बस जुड़िए और जुड़े रहिए। जी जी जी, मैं और एक चीज बताना चाहूंगा। हाय हाय मयूर सर से, रजनीकांत नो वॉइस है ना। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मयूर जी आपने कहा कि पैसा है, कभी कम है कभी ज्यादा है, लेकिन एक चीज और है जो हमेशा है, वो है संतुष्टि। आपको यहाँ है ना वो चीज, मतलब कई जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रकार प्रकार की चीज है, लेकिन अगर वो ही खुद संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, है ना, सेटिस्फाइड नहीं है, तो कैसे। तो यहाँ वो बात बनती है कि आप संतुष्ट हैं काम करके, आप जब स्टूडियो में पहुंचते हैं तो आहा अद्भुत अनुभव होता है वो बहुत। मैं गारंटी देता हूँ जिस लेवल का आपका कमिटमेंट होगा, सेटिस्फेक्शन उससे कभी नीचे नहीं होगा, उससे ऊपर ही होगा, उसके बराबर होगा, लेकिन कभी उससे नीचे नहीं होगा। वॉइसिंग फ्रेटर्निटी की ओर से ये मेरी आपको गारंटी है। बिल्कुल सही कहा, जॉब सेटिस्फेक्शन लिख रहे हैं, काफी लोग लिख रहे हैं, यस यस, फुल पावर गाइज। और थैंक यू सो मच मयूर जी वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी में आने के लिए और धमाकेदार परफॉर्म करने के लिए और इतनी सारी बातें कहने के लिए, सिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए इस फील्ड के बारे में, इस क्राफ्ट के बारे में। थैंक यू सो मच, फुल पावर सर। थैंक यू, लव यू बेटा। एंड सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए। जैसा मैंने कहा, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच जी, बेशक। और बस आप हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए, फुल पावर, बस हम यही चाहते हैं। और हम जल्द जल्द से जल्द मिलेंगे किसी स्टूडियो में। जरूर, अपनी तो लाइफ की फिलॉसफी यही है, द शो मस्ट गो ऑन। यस, क्या बात क्या बात, फुल पावर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैप्पी संडे, एंजॉय, थैंक यू, थैंक यू।
क्या बात है, ऐसा लग रहा है ना मतलब हमने, ये क्या आ गया ऑइंग ये संडे के दिन वाकई जब मयूर सर मतलब वॉइस ऑफ रजनीकांत साथ हो, धमाकेदार बातें हो, सीखने सिखाने वाली बातें हो, अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर किए उन्होंने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने जो परफॉर्म किया उससे काफी कुछ सीखने को मिला। आपने देखा होगा मॉड्यूलेशन दिया, वॉइस मॉड्यूलेशन, और इतनी इजीली उन्होंने सारी चीजें कर दी। और रजनी सर तो मतलब रजनी सर उनके लिए तो सारी चीजें चुटकी बजाते हो जाती है। तो फुल पावर गाइस, थैंक यू सो मच। संडे के दिन सुबह सुबह आया तो भी आप लोग मेरे साथ हैं, इसको कहते हैं एकता, इसको कहते हैं ताकत, इसको कहते हैं फुल पावर गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, और आई एम सो सॉरी गाइस, आपके बहुत सारे जिनके अलग 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 रिक्वेस्ट थे हम पूरे नहीं कर पाए क्योंकि उतना वक्त नहीं होता है इस वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी को लेकर, लेकिन थैंक यू सो मच हमेशा साथ देने के लिए। ओके, लव यू गाइस, फुल पावर, हैप्पी संडे।